नमस्कार, न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। देश के राजनीति के कद्दावर नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद हर कोई मर्माहत है। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आ रही है। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये रामविलास पासवान के आवास का है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँचे। जैसे ही वो श्रद्धांजलि देते हैं और चिराग पासवान के पास जाते हैं, चिराग पासवान फपक फपक के रोने लगते हैं। चिराग इस वक्त काफ़ी भावुक हो गए हैं और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धैर्य बढ़ाते दिख रहे हैं। पीएम मोदी जब वहां पहुंचे, तब रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी वहाँ मौजूद थे। जैसे ही पीएम मोदी ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित की और परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए आगे बढ़े, तो चिराग पासवान ने पहले तो पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़े, लेकिन अगले ही पल वो रोने लगे। उस दौरान पीएम मोदी ने चिराग को सांत्वना दी और चिराग की पीठ पर तब तक हाथ सहलाते रहे जब तक चिराग ने खुद को कंट्रोल नहीं कर लिया। आपको बता दें कि रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दोपहर बाद पटना लाया जाएगा और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 10 अक्टूबर यानी कि शनिवार को उनका अंतिम संस्कार पटना में ही किया जाएगा। मोदी कैबिनेट में उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों में मंत्री रामविलास पासवान की सेहत में लगातार गिरावट आ रही थी और दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में उनके दिल का ऑपरेशन 3 अक्टूबर को देर रात किया गया था। वो 27 अगस्त के बाद से ही लगातार परेशानी में थे। पिछले कुछ हफ्तों में अस्पताल में भर्ती थे। तो अब दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें चिराग पासवान रोते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि नरेंद्र मोदी उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। इससे बीच आपको बता दें कि देश भर में सभी दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उनके विषय पर ट्वीट किया है और इसके साथ सभी लोग मर्माहत है। बिहार की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर भी विपक्ष के नेता हो या फिर सत्ता पक्ष के नेता हो, रामविलास पासवान को हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है। पीएम मोदी ने तो ये बातें कह दी कि अब दलित पिछड़ों की और शोषित वर्गों के उत्थान के बारे में कौन सोचेगा। रामविलास पासवान उन सभी लोगों के बारे में सोचते थे। हर मंत्रालय में उन्होंने एक अहम योगदान दिया है, खासकर बिहार की राजनीति को एक नया आयाम भी उन्होंने दिया है। तो जिस तरीके से उन्हें देश याद कर रहा है, चिराग पासवान इस मौके पर काफ़ी भावुक नजर आ रहे हैं। बिहार में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले चिराग के माथे से उनके पिता रामविलास पासवान का साया उठ गया है, जिसके बाद से वो मार्गदर्शन की कमी महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरों में चिराग रोते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में महसूस किया जा सकता है कि इस समय चिराग पर क्या बीत रही है, चिराग क्या महसूस कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ पिता का साया नहीं है, दूसरी तरफ बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में कई समस्याएं चिराग को ठीक सामने नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर्मेशन। नमस्कार।